खाना ही नहीं छोड़ा। सर्कस के हाथी भी इनसे कम खाते होंगे। तू खाना चल। दीदी आप भी खाओ ना। नहीं मुझे भूख नहीं है, तू खा। ओ आपको भी पहला प्यार हुआ है? जब मुझे पहला प्यार हुआ था ना तब मुझे भूख ही नहीं लग रही थी। अच्छा कब? फर्स्ट स्टैंडर्ड में जब पीटी के आगे के दो दांत टूट गए थे तब वो कितनी क्यूट लगती थी, बस प्यार हो गया। अच्छा फिर क्या हुआ? दो महीने के बाद उसके दोनों दांत आ गए, फिर उसी दांतों से उसने मुझे अंग काट लिया। आपको भी किसी से प्यार हो गया? पागल है क्या? बस उस बागड़ बिल्ली के ना सामने के दोनों दांत टूट जाए, मजा आ जाएगा। यार ये भैया को शादी की क्या जल्दी है? आई हेट मैरिज। मुझे एक बात समझा, तुझे टिया से प्रॉब्लम है या शादी के कॉन्सेप्ट से प्रॉब्लम है? मुझे ना शादी के कॉन्सेप्ट से प्रॉब्लम है। हस्बैंड की हालत देखिए शादी के बाद कैसी हो जाती, जहर जैसी, जहर जैसी। सही हो तो सॉरी बोलो, गलत हो तो सॉरी बोलो, स्टूपिड क्वेश्चंस को फेस करना पड़ता है। बेबी मैं मोटी तो नहीं लग रही ना? बेबी मेरे बाल नोटिस की? अरे 3 फुट लंबे बालों में से 2 इंच बाल काट लेगा तो कौन नोटिस करेगा यार? रिमोट शेयर करो, पासवर्ड शेयर करो, इंस्टाग्राम का दो, फेसबुक का दो, डेट्स याद रखो, उसकी मम्मी का बर्थडे, मेरी मम्मी का बर्थडे, किस किसकी मम्मी का बर्थडे याद रखे यार, एनिवर्सरी याद करो, फर्स्ट किस याद रखो। अरे अरे फर्स्ट किस कौन याद रखता है यार? इससे तो अच्छा मैं जान दे दूं, और भैया जान देना चाहते हैं। तू तो सेंटी हो गया यार। भैया हमसे दूर जा रहे हैं, सेंटी नहीं होगा क्या? रुद्र ये तेरे बारे में नहीं है। I know, ये अनिका के बारे में। क्या? डब्बा। क्या? साफ बोल। अब्बा डब्बा जब्बा। पागल हो गए भैया। अनिका डब्बे में थी, डब्बा आपके कमरे में था, आप डिनर में थे, अनिका में डिनर था, मेरा मतलब कि डिनर में अनिका भी थी ना। डिनर के बारे में तुझे कैसे पता चला? भैया उन्हें बताया। इनके लंबे बाल और आर्टिस्टिक लुक पे मत जाना। He's a spy. Shut up. बचपन से एक सवाल मुझे बहुत परेशान कर रहा है। अरे पिज्जा गोल होता है तो उसका बॉक्स स्क्वायर और पीस ट्रायंगुलर क्यों होते हैं? हाँ क्यों? Thank God रुद्र, मुझे लगा शायद पहली बार तू जिंदगी में ना एक इंटेलिजेंट बात करने वाला है। Hey guys. Hey. क्या हो रहा है? पिज्जा बना रहे हैं। ओह मेरा मतलब है कि पिज्जा की ऑरा क्लीनिंग कर रहे हैं। Very funny, Rudra. Rudra. दिया, कुकिंग आती है? Not really. Oh, मतलब शादी से पहले ही चीजें मैच नहीं कर रही हैं। अच्छा ये सब छोड़ो भैया, वो स्टंट करके दिखाओ ना वो कर रहे थे आप। Once more, please. Really? Okay. एक मंथ है, मुझे हर फंक्शन के लिए अलग अलग ड्रेस चाहिए, तुझे मेरी हेल्प करनी होगी। हाँ वैसे एक लास्ट ईयर की ड्रेस तो है पर मैं उसमें फिट नहीं आती। तू एक साल पुरानी ड्रेस की बात कर, मैं तो पिछले साल पुराने शॉल में ना फिट आऊं। पता है किसकी प्रॉब्लम है? ये सब संस्कारों की प्रॉब्लम। व्हाट? अरे जब हम बुजुर्गों के पैर छूते हैं तो वो हमें आशीर्वाद देते ना, फूलो फलो, हम भूल जाते हैं। तू कभी भी नोटिस करना, ये जो संस्कारी लोग हैं ना ये थोड़े हेवी साइड में ही होते हैं। अरे तू अनूप जलोटा को ले ले, आलोक नाथ को ले ले, सूखे सड़े तो तेरे भाई जैसे होते हैं। मुझे तो लगता है अपने मम्मी पापा को हाय हेलो भी नहीं कहते, इसलिए कोई आशीर्वाद देता ही नहीं। आशीर्वाद कौन देगा उन्हें बोल? कोई अगर आशीर्वाद देगा भी ना तो 2 दिन बाद देगा, बोलेगा ये लो डबल आशीर्वाद, इंटरेस्ट के साथ लौटा दिया। कहना तो नहीं चाहिए पर बड़े सड़ू हैं तेरे भैया। गॉड ये लड़की कितना बोलती है, लगता है नींद में भी बड़बड़ाती होगी। मैं तो इतना बोलती हूँ ना कि मैं अपनी नहीं, मैं तो दूसरों की नींद में भी बड़बड़ाती हूँ। लेकिन एक बात बताऊँ,
जो मन के साफ होते हैं ना वही ज्यादा बोलते हैं। yeah. गुन्ने तो तेरे भाई जैसे होते हैं। गुन्ने क्या है? तुझे गुन्ने नहीं पता? अरे गुन्ने वो होते हैं जो अपनी मन की बात मन में रखते हैं। बड़े चंट होते हैं ऐसे लोग। अरे नहीं नहीं तुम्हारे वजह से कुछ नहीं हुआ। हुआ तो मंदिर में जब उन्होंने लाइन तोड़ी ना और मैंने उनका कांच तोड़ दिया। विंडस्क्रीन। हाँ वही वही। फिर हुई गोबर वाली लड़ाई। मैंने गोबर लिया और उनकी कार पे मारा। तुम्हारे भैया नाराज हो गए, हेलीकॉप्टर मंगवा लिया उन्होंने। क्यों चौपर? हाँ अरे भाई मैं चंपा में, वो हेलीकॉप्टर में। चंपा? मेरी स्कूटी। मैं चंपा में, वो हेलीकॉप्टर में। पर फिर भी फार्म हाउस में मैं उनसे पहले पहुंची। उनका हेलीकॉप्टर पंचर कर दिया मैंने। पर मैंने देखा है कि आज तक जितनी लड़ाइयां हुई है ना आखिर में जीत मेरी हुई है। पर शिवाय तो कभी भी नहीं हारता। हर आर्गुमेंट में उसका ही तो लास्ट वर्ड होता है। शिवाय सिंह ओबेरॉय को कोई नहीं रोक सकता, ना ही कोई इंसान, ना ही नेचर। होगा उनका लास्ट वर्ड, फुल स्टॉप होता है मेरा। से कंजी आंखों वाले ना मैंने बड़े देखे हैं। फिर हुई पानी वाली लड़ाई। पानी वाली लड़ाई? आप लोग को नहीं पता? नहीं। अरे मैंने पानी लिया और सीधे मारा उनके मुंह पे। अरे आप लोग क्यों डर रहे हो? आप लोग को मैं कुछ नहीं कहूंगी। तो मतलब आप हम पे गोबर और पानी नहीं फेंकेंगी ना? पागल हूँ क्या मैं? क्यों करूंगी मैं ऐसा? आप लोग बहुत अच्छे, आप लोगों से तो मैं बातें करूंगी। और हाँ मुझे ये जानना था, मैं तब से ना ऐसे मन उतावला हो रहा था, आपके बाल इतना शाइन कैसे करते हैं? आप शिका का यूज करते हो कि वो रीटा यूज करते हो? एक्सक्यूज मी। और आपसे, आपसे मुझे फिटनेस टिप्स लेनी है। वो तो मैं आपको दे ही दूंगा। पर जब मैंने आपको लास्ट टाइम देखा था भैया की गाड़ी का शीशा तोड़ते हुए तब आपकी डबल चिन थी। पर अभी आपने वेट लूज किया है? हाँ जुम्बा बुम्बा जिमिंग जिमिंग। हाँ थोड़ा बहुत कर लेती हूँ जब फ्री होती हूँ घर पे। पर आप लोग मुझे बहुत अच्छे लगते हो। आप लोग उसके रियल ब्रदर्स नहीं हो ना? नहीं हम कजिन हैं। तब भी बस सगे भाई से भी ज्यादा क्लोज है। वन फॉर ऑल, ऑल फॉर वन। आप उनसे प्यार करते हो? वो आपसे प्यार करते? सच में? वैसे बड़े अजीब हैं तुम्हारे भाई। तला हुआ नहीं खाएंगे लेकिन जला हुआ जरूर खा लेंगे। नखरे। एक मिनट, आप कुछ चिप की बात कर रही थी। अरे हाँ जब मैं जेल में थी ना। ओके दैट्स इनफ। तुम दोनों बाहर जाओ, मुझे इससे अकेले में बात करनी है। यहां तो आ गए। व्हाट आई वांट टू टेल यू, दिमाग खराब है क्या तेरा चमेली? चमेली? व्हाट? चमेली इसका नया नाम है। पहले रखा था मैंने एक इंग्लिश सिंगर पे, फिर लोगों ने मुझे बोला वो केस कर देगी मुझ पे, जैसे कि वो मेरी बातें सुन रही थी। तो अब इसका नया नाम है चमेली। ये कभी भी खराब हो जाती है। अनिका तो टिया की मम्मी वापस आ गई है, उसके साथ मिलके शादी के सारे इंतजाम तय करने हैं। चल मेरे साथ। तू भी चल बिल्लू। दादी मुझे इसके सामने लू मत कहा। क्यों बिल्लू? चल पुत्र। जी डोंट लाइक बिल्लू। एक बात पूछो मिसेस कपूर, रॉबिन पान खाता है ना?
Not at all. नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था, मतलब इतनी बातें हो गई, रॉबिन ने तो कुछ बोला ही नहीं, इसलिए मुझे लगा पान खाता होगा। हो सकता है इसने भी बोलना शुरू ही ना किया। मतलब कई लोग लेट बोलना शुरू करते हैं, मैं जब 4 साल का था कुछ नहीं बोलता था। रुद्र नदी, मैं मजाक कर रहा हूं। रॉबिन कुछ बोलो, अपना नाम ही बता दो। माय नेम इज रॉबिन। अरे बोल पड़ा। क्या नाम बोले यार, इस बात में एक शेर तो बनता है। घंटे गिनके दिन कटे, रातें कटी तारे गिन गिन, आखिर इतनी देर बाद बोला है रॉबिन। भाई मेरे बिल्लू की शादी है, मैं तो सारी रस्में करूंगी। अनिका तू लिस्ट बना बेटा। इनफैक्ट दादी जी, मैं तो यही कहने वाली थी कि हम ये शादी सब रस्मों रिवाज के साथ ही करेंगे। सगाई तो हो नहीं रही है तो मेहंदी तो होगी ना? ओ माय माता, क्यों नहीं होगी, मेहंदी जरूर होगी, मुझे भी तो लगानी है। और संगीत? कॉकटेल। एक बार दोबारा नाम बोलना। कोरियोग्राफर्स को भी ना जल्दी से बुक कर देते हैं। और वो जो शाजिया मेहंदी वाली है ना, उसको भी अभी से बुक कर लो। रुद्र भैया, अब दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड पे डांस करना। ओमकारा, एक रिक्वेस्ट करूं, तू अपने ना ये लंबे बाल कटवा लेना। बता मुझे, बन्नू की सहेली बनकर आएगा शिवाय की शादी पे? छोटी माम, बहुत मेहनत से उगाए हैं। अरे भाई ये सब तो ठीक है, लेकिन आप में से किसी ने सोचा है कि डीजे कौन होगा? हाँ मैंने सोचा है, यार रहमान को बुला लेते हैं। अनिका दीदी कितनी ब्रेव है ना, उन्हें सुरक्षा चक्र मिलना चाहिए। गफर, सुरक्षा चक्र टूथपेस्ट में होता है, ब्रेवरी वाला परमवीर चक्र होता है। ओ हाँ भाई, भाई मिलना चाहिए। कैसे भैया के सामने भैया का निंजा स्टंट कर दिया और भैया कुछ बोल भी नहीं पाए। दादी कुछ तो बात है। और ये पैसे का क्या है? जब अनिका काम पे ही आ जाइए तो शिवाय ने उसे चेक कल कैसे दिया? और अगर तुझे याद है तो शिवाय वीडियो में कुछ 5 करोड़ 5 करोड़ कर रहा था। और कैसे अनिका दीदी ने भैया की गाड़ी का शीशा तोड़ा था और टशन से उनके मुंह पे पैसे मारे। यार मेरे साथ इसी लड़ाई क्यों नहीं करता कोई, मुझे सब 5 मारते, कोई पैसे नहीं मारता। जो भी हो रहा है टक्कर का हो रहा है। दादी वो तो ठीक है, पर ये हो क्या रहा है? ये तो वक्त ही बताएगा। सब लोग ये क्यों बोलते हैं वक्त बताएगा, कैसे बताएगा, किसे बताएगा, घड़ी बोलेगी क्या, कोई समझाओ मुझे। ओह प्लीज एक्सप्लेन। ये फिलोसॉफिकल बातें मेरी समझ में कब आएंगी यार। भैया 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 रुको भैया, मुझे ना कॉलेज जाने के लिए नई कार चाहिए। ये देखो कितनी कूल है, कौन सी ले लूँ, ये वाली की ये वाली, बताओ कौन सी लूँ? कोई भी ले। कोई भी ले ली नहीं, बेटर बताओ कौन सी है, ये की है? Just take this one, yeah. ठीक है, cool है, stylish है, pickup is good and it's Japanese. Japanese? तो मुझे कैसे समझ में आएगा इसके रेडियो में गाने कौन से चल रहे हैं, जो तो जापानीज आती नहीं है। एक काम कर, तू ये वाली ले ले, ये स्पोर्टी भी है and it'll suit you. ठीक है, तो वैसे बुक कर दो। थैंक यू भैया। ओके ओके। Hey Rudr, हाँ? You know on second thoughts I think वो दूसरी वाली ठीक थी, just get that, it'll suit you. भैया आप इतने confused क्यों? एक काम करो, आप 24 घंटे ले लो और फिर मुझे final करके बताना कि कौन सी गाड़ी दिलवा रहे। इतना confusion क्यों है आपके दिमाग में? अब मैं आपको 24 घंटे देती हूँ, आप तय कर लीजिए कि आपको मेरे साथ करना क्या है। Shut up, मुझे सोचने के लिए वक्त नहीं चाहिए, मुझे पता है मुझे क्या करना है। And for God's sake, उसकी तरह बात करना बंद कर। उसकी तरह किसकी तरह? अरे क्या किया तूने? मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने बस गाड़ी मांगी। ये पक्का?
पक्का अनिका ने कुछ किया। जब से वो यहाँ आई है ना तब से भैया का दिमाग हिला हुआ है। पॉइंट तो है। ओ पता करना पड़ेगा क्या हो रहा है।